हाय फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं आम का अचार बनाने। इसको अभी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी दिखाते हैं आपको। आम काट लिए हैं, अब इसको धो के 2 घंटे के लिए धूप में सुखाएंगे। फ्रेंड्स, धूप में 2-3 घंटा लगा दिए हैं। अब इसमें से ये छिलका निकालेंगे, नहीं तो अचार में बहुत ख़राब लगता है। इसका छिलका निकाल के फ्रेंड्स ले लिए हैं, अचार रेडी है। अब इसमें नमक डालेंगे, अचार के मसाले के लिए धनिया पाउडर, ये सूखी लाल मिर्च है, धूप में सुखा ली है। अभी इसका दरदरा कूटेंगे, पीस लेंगे मिक्सर में। ये लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, लहसुन का पेस्ट बनाएंगे, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मेथी, सौंफ, कलौंजी को खड़ा ही डालेंगे हम। राई, दोनों पीली सरसों है और राई है, इसको हम ड्राई रोस्ट करके पीस के डालेंगे इसको, और सब बाकी मसाले बिना भुने ही डालेंगे। मिर्चा पीस लिए हैं, मेथी और सौंफ को एक साथ पीसेंगे। इसको धूप में सेके हैं, अब इसको पीसेंगे, इसको ड्राई रोस्ट करके पीसेंगे। मसाला पीस के रेडी कर लिए हैं। अचार 24 घंटा रखे थे, अचार में पानी भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम तेल मसाला सब मिलाएंगे। सबसे पहले इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, सौंफ और मेथी जो दरदरा पीसे थे उसको डालेंगे इसमें। ये राई भून के रखे थे वो भून के पीस के डाल दिए हैं। पाउडर कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे कलर के लिए, इससे कलर अच्छा आता है। और लहसुन डालेंगे, अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तेल नहीं डालेंगे इसमें, कच्चा तेल ही डालेंगे। सबको अच्छे से मिलाएंगे। हल्दी भूल गए थे, हल्दी भी डाल दे रहे हैं थोड़ा सा। अचार बन के रेडी है फ्रेंड्स। ये अचार की खास बात यह है कि ये बिना प्रिजर्वेटिव, बिना सिरका डाले तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।